सो व्हाट इज़ द पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेकी गौरव। तो दोस्तों, दोबारा से सैमसंग ने जो है हमारे सैमसंग गैलेक्सी J26 और J2 Pro के लिए एक नया अपडेट रोल आउट कर दिया है। शायद आपके फ़ोन में आ चुका होगा, अगर नहीं आया तो 2-3 दिन वेट करिए, आपके फ़ोन में भी आ जाएगा। या फिर आप अपने सेटिंग में जाकर चेक करिए, आपको ये भी ये अपडेट मिल चुका होगा। मेरे फ़ोन पर आ चुका है और मुझे इसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई इस अपडेट में क्या नया आया है बताओ, ताकि हम सोच समझ के अपडेट करें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए। आज इस वीडियो में मैं आप लोग बताऊंगा कि इस अपडेट में आखिर क्या नया देखने को मिल गया है और अगर कोई चेंजेस हुई भी है तो क्या क्या आखिर चेंज हुआ है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। सो दैट्स बीइंग सेड गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, इस अपडेट का साइज़ है 229.95 MB और ये मेरे फ़ोन पर 2 दिसंबर को ही आ चुका था, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया, तो कोई बात नहीं, लेकिन आ तो गया। तो दोस्तों, इस अपडेट का मेन रीज़न था आपके फ़ोन के बग्स को फिक्स करना। जब आपके फ़ोन पर प्रीवियस अपडेट आया था तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन्स में जो है वो बग आ गया था। किसी का जो है वो डिस्प्ले काम नहीं कर रहा था, किसी का साउंड काम नहीं कर रहा था, मतलब बहुत सारे बग्स आ गए थे, सबके ही फ़ोन में आ गए थे, लेकिन मेरे फ़ोन में नहीं आया। पता नहीं क्यों, शायद मैंने अपना फ़ोन फॉर्मेट कर दिया था इसलिए मेरे फ़ोन पर कोई बग नहीं आया। लेकिन मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे बताया था कि इस अपडेट के बाद जो है उनके फ़ोन में बग आ गया था। तो उन बग्स को फिक्स करने के लिए ये अपडेट जो है वो सैमसंग ने रोल आउट किया था। और इस अपडेट में एक मेजर चेंज ये है कि आपको अपने फ़ोन पर गूगल असिस्टेंट इनेबल्ड हो गया है। यस भाई, आपको जो है वो सही सुनाई दे रहा है, गूगल असिस्टेंट आपके फ़ोन पर जो है वो इनबिल्ट इनेबल कर दिया गया है। वैसे भी ये ट्रिक मैंने बहुत पहले बता दी थी, लेकिन वो जो वो इनबिल्ट नहीं था, वो था एक शॉर्टकट, लेकिन अब जो है वो आपको इनबिल्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपने होम बटन को प्रेस करके रखेंगे तो आपको अपने फ़ोन पर जो वो गूगल असिस्टेंट नज़र आ जाएगा, जो कि इनबिल्ट फीचर होता है। तो ये जो वो इस अपडेट में इनेबल हो गया है। इसके प्रीवियस अपडेट में भी बहुत सारे फ़ोन पर इनेबल हो गया था, लेकिन मेरे वाले पर इस अपडेट में जो वो इनेबल हो गया है। तो जाकर अपने फ़ोन में चेक करिए, आपको गूगल असिस्टेंट इनेबल हो चुका है, वो भी इनबिल्ट। आप अपने होम बटन को प्रेस करिए, आपको जो है वो गूगल असिस्टेंट देखने को मिल जाएगा। और बाकी सिक्योरिटी पैच का भी कोई अपडेट नहीं था, मेन रीज़न था बग्स को फिक्स करना और गूगल असिस्टेंट को इनेबल करना। बाकी इस अपडेट में और कुछ नहीं था, जो था मैंने आप लोगों को बता दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होते रहती हैं। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।